ये तस्वीर देख रहे हैं आप, कार पर सवार दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और उनके पीछे रैली में हजारों आप कार्यकर्ताओं की भीड़। रैली में भीड़ देखकर तो ऐसा लग रहा है कि मानो मनीष सिसोदिया चुनाव लड़ने जा रहे हों या फिर कोई मेडल जीतकर जनता के बीच आए हों। लेकिन नहीं, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं। दरअसल ये रैली दिल्ली शराब घोटाले के मुख्य आरोपी मनीष सिसोदिया ने सीबीआई ऑफिस जाने के लिए बुलाई है। दरअसल आज सीबीआई दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से पूछताछ करेगी और पूछताछ से पहले सिसोदिया ने जमकर माहौल बनाया। बता दें कि सीबीआई ऑफिस जाने से पहले सिसोदिया ने रैली निकालकर शक्ति प्रदर्शन किया और फिर राजघाट पहुंचे और फिर इसके बाद सीबीआई दफ्तर। लेकिन अब इस सवाल कि जब मनीष सिसोदिया अपने आप को निर्दोष बताते हैं तो फिर आखिर ये शक्ति प्रदर्शन किस बात का? और दूसरा सवाल ये कि आखिर सिसोदिया बार बार क्यों कह रहे हैं कि सीबीआई मुझे गिरफ्तार कर लेगी। बता दें कि भ्रष्टाचार के आरोप में आम आदमी पार्टी के कई नेता जेल जा चुके हैं। ऐसे में सिसोदिया को भी जेल जाने का डर अब पूरी तरीके से सताने लगा है। शराब घोटाले में ईडी और सीबीआई 19 अगस्त से अब तक देश भर में 120 अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी कर चुकी है। इसके अलावा 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है और अब आज सिसोदिया को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया है। ऐसे में अब देखना होगा कि शराब घोटाले को लेकर चल रही सियासत कब खत्म होगी और क्या सीबीआई सिसोदिया को गिरफ्तार करेगी या फिर सिर्फ माहौल बनाने की कोशिश है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया, डिस्टर्ब।